Hello doctors, get a book of biology tricks through Amazon, get link through description and watch this video till the end and gives rating us about this video. Today's topic is molecular basis of inheritance. Hello doctors, how are you all? So today is a very important, a special video for you all. और स्पेशल इस वीडियो में क्या है ये आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर की, ठीक है। डीएनए का कैसा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका बना हुआ होता है, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप फॉर टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। किसका बना हुआ होता है, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है। इसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट इसमें कुछ पॉइंट जो है मैं आपको रिकॉल करवाती रहूंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, टू चेन्स हैव एंटी पोलर पैरेलल पोलरिटी, ठीक है। तो जो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल होता है उसमें जो दो चेन होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है। अगर एक चेन की पोलरिटी 5-3- है तो दूसरे की क्या होगी, ऑब्वियस 3-5-, ठीक है, इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड। जो बेस होते हैं दो स्ट्रैंड में वो पेयर किसके थ्रू होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि बेसिस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ एक बार कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, एनीवन रिमेम्बर? प्यूरिन्स के एग्जाम्पल होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पिरिमिडिन के एग्जाम्पल होते हैं साइटोसिन एंड थायमिन एंड यूरेसिल, ठीक है, इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर एडेनिन थायमिन के साथ, मतलब कि एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के साथ जुड़ रहा है, मतलब कि एडेनिन किसके साथ जुड़ा है, थायमिन के साथ, तो इनके बीच में क्या होंगे, डबल बॉन्ड। और अगर साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ रहा है तो उसमें क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड। साइटोसिन क्या है, साइटोसिन इज अ प्यूरिन एंड गुआनिन, सॉरी मुझसे गलती हो गई, साइटोसिन इज अ पिरिमिडिन एंड गुआनिन इज अ प्यूरिन, ठीक है। तो ये आपको हमेशा से याद रखना है। सो एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ पिरिमिडिन। तो इस लाइन को हम कैसे क्लियरिफाई कर सकते हैं कि एक प्यूरिन के साथ क्या आ रहा है, पिरिमिडिन। एंड आप इसमें भी देख सकते हैं एक पिरिमिडिन के साथ क्या आ रहा है, प्यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट है, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, ठीक है। सो कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है उसमें वो किस फैशन में वो मुड़ा हुआ है, किस फैशन में कॉइल्ड है। तो हमेशा रखना है कौन से कॉइल, कौन से फैशन में कॉइल्ड है, राइट हैंडेड फैशन। नेक्स्ट है, द पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच कितनी है, 3.4 नैनोमीटर। 10 बेस पेयर इन ईस्टर्न, तो जब डीएनए हेलिक्स मुड़ेगा तो एक उसके टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर, और जो ये बेस पेयर है इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, सो डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल डोगमा, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू लर्न। सो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि टफ नहीं है पर अगर एक बार अच्छे से देख लोगे तो याद भी हो जाएगा। सेंट्रल डोगमा इज गिवन बाय क्रिक। क्रिक किसने, क्रिक ने दिया था क्या, सेंट्रल डोगमा। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, सी सी से याद रख सकते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल डोगमा होता है हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सेंट्रल डोगमा हमें इंफॉर्मेशन देता है जेनेटिक के बारे में, ठीक है, विच स्टेज दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट अब इसका एक छोटा सा डायग्राम है जिसको हम याद करके अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है नीट में क्वेश्चन देते हैं डायग्राम बेस्ड। डायग्राम आपको देंगे और इसमें से आपके पास फ्लिन द वेंग्स दे देंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अगर डीएनए ही बन रहा है, ठीक है, डीएनए का डीएनए ही बनना उसको बोलते हैं रिप्लीकेशन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो ऑलवेज वी रिमेंबर, अगर डीएनए से डीएनए ही बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्लीकेशन, मतलब कि बार बार रिप्लाई वही चीज हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रिप्लीकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना। अगर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना है तो उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और अगर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बना तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो हम उसको एक सिंपल कैसे देख सकते हैं, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन, इट्स क्लियर। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ
इन्फॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब कि जो सेंट्रल डोगमा है वो रिवर्स हो जाएगा. कैसे? मतलब कि अभी तक डीएनए से आरएनए जा रहे थे इन्फॉर्मेशन, अब जाएगी आरएनए टू डीएनए. ठीक है, किसमें? इन सम वायरसेस में. सो ऑलवेज वी रिमेंबर दिस. और ये जो आपका चैप्टर है पूरा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये पूरा चैप्टर समझा रही हूँ. ठीक है, सो हम आ जाते हैं सरप्राइज पे. सरप्राइज है आज हम लास्ट में एक केमिस्ट्री की छोटी सी चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को रिमेंबर करेंगे केमिस्ट्री में. अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो. CO का होता है जीरो. H2O का भी होता है जीरो. कभी कभी कुछ कंपाउंड्स में हमको दे देते हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर डालते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर में NH3 का जीरो रहेगा, CO का भी जीरो एंड H2O का भी जीरो. आई होप कि ये जो मैंने आप लोगों के लिए सरप्राइज रखा है आप लोगों को अच्छा लगा हो. CN का होता है -1, OH का भी -1 और Cl का भी, मतलब क्लोरीन का भी क्या होता है? -1. CO3 का होता है -2, CO4 का होता है -2, NH4 का होता है +1. सो आई होप यू गाइज यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आप चाहते हो कि हर वीडियो के लास्ट में मैं इसी तरीके की कुछ केमिस्ट्री के सरप्राइजेस दूं जिससे कि आपको ये याद भी रहे, गाइज एक बार अच्छे से फिर से रिमेम्बर कर लेते हैं. NH3, CO और H2O, इन सब का क्या होगा? जीरो. CN, OH एंड Cl, इसका क्या होगा? -1. एंड CO3, SO4 एंड NH4 का क्या होगा? गलती हो गई. CO3 एंड SO4 का होगा -2 एंड NH4 का होगा +1. सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट लाइक, ये सब तो आप जानते ही हैं. सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. कीप स्माइलिंग.